आज हम बहुत ही एक टेस्टी सी चाट बनाएंगे चना दाल के साथ। ये बहुत ही मैजिकल सी चाट है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसमें मैंने पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश की है। जब हम अपने घर वालों के साथ ट्रेन में सफ़र करते थे तो उसमें ये बाल्टी में जो भैया लेके आते थे तो एकदम इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता था और मन करता था कि अभी मिल जाए ये खाने को। और वो पत्ते पे इसको उछाल उछाल के जो बना के देता था, बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनती थी। आज मैंने घर में कोशिश की है। मैंने इसके लिए खीरा काट लिया, टमाटर काट लिए, बारीक प्याज काट ली, धनिया काट लिया और मैजिकल मसाला, इसकी मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो। चाट मसाला बना के भी आप डाल सकते हो। और हरी मिर्च काट ली है बारीक बारीक, इन सबको काट के मैं एक मिक्सिंग बाउल में मिला लूँगी। सब चीज़ें मैंने इसमें मिला दी, थोड़ी धनिया पत्ती भी मिला दी। अब मैंने अपना मैजिकल सा मसाला और थोड़े से इसमें चिल्ली फ्लेक्स एक्स्ट्रा मैंने डाले हैं और इसको मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने दाल भी मिक्स कर दी, दाल का भी मैंने दाल मोठ का वीडियो बना के जो डाला हुआ उस तरीके से हमने दाल को फ्राई कर लेना है। अब मैंने इसमें हरी धनिया पुदीने की चटनी भी डाल दी है और एक नींबू का रस निचोड़ दिया है इसमें। देखिए कितना बढ़िया सा इसमें टेस्ट एक तैयार हो गया है। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे और दाल को आप वैसे भी फ्राई करना चाहो इसको 5-6 घंटे के लिए भिगो दो और उसके बाद इसको निचोड़ के थोड़ा सा सूखे कपड़े पे सुखा लो और उसके बाद आप फ्राई करके इसको बना सकते हो। जैसे मैंने दाल मोठ की वीडियो बनाई उस तरीके से आप देख के भी इसको बना सकते हैं। अब मैंने देखो इन सबको मिक्स कर लिया, अब कितनी सी बढ़िया हमारी चाट बन के तैयार है। आपको आप इसको किसी भी टाइम खा सकते हैं, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, किसी भी टाइम आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये बच्चे बूढ़े सबको अच्छी लगेगी। देखिए अब मैंने इसको एक कटोरी में निकाल लिया, आप इसको दोने में डाल के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चाट बनके हमारी तैयार हुई है। खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।